struggling with someone, we have amazing discounts. गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। गगन जी नमस्ते, विनीत जी नमस्ते, ये दिख रहे हैं गगन जी। गुड इवनिंग जितेंद्र। नहीं, नाराज नहीं है, किसी से नाराज नहीं है। तो चलो ठीक है, फिर कोई देर ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी, बिग बैंग थ्योरी। वहीं पर हमने नेबुला के बारे में, स्टार के बारे में, गैलेक्सी के बारे में और यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। तो हम स्टार के बारे में, तारों के बारे में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम आप अपने स्टार सन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद उसकी फैमिली, सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन या सूर्य, सन या सूर्य, नहीं ऐप पे होगी विनीत शर्मा जी, क्लास ऐप पे भी होगी, आपको मिलने लगेगी कल से, शायद जाने लगेगी ऐप पे ही क्लास जाने लगेगी, क्योंकि अभी तक दो से तीन चार क्लासेस जो थी वो डेमो क्लासेस थी, तो यूट्यूब पे थी, अब वो ऐप पे जाने लगेंगी। गुड इवनिंग महेश जी। तो ठीक है, हम सन के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टार तारों के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से, तो हमारा सन भी एक स्टार है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। अपने सन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे सन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका कंपोजिशन पूछा जा सकता है, इसका संगठन पूछा जा सकता है, इसमें एनर्जी का सोर्स पूछा जा सकता है कि हमारा जो सन है, सूर्य है, इसके पास एनर्जी कैसे है, कहां से आती है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। फिर हमसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना। और हमसे पूछा जा सकता है इसकी फैमिली के बारे में, इसके परिवार के बारे में। अगर हम सन को, सूर्य को पढ़ने जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले तो हमको अपने स्टार सन के बारे में ही जानना है, और उसमें से भी हमको इसके कंपोजिशन को देखना है, कैसे कैसे कौन कौन सी गैसेस से बना है ये, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखना है, इसकी संरचना कैसी है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं और उनका काम क्या है। उसके बाद हम आप इसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसकी फैमिली को देखेंगे, इसके परिवार को देखेंगे, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं या हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। तो सबसे पहले हमको, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो गैसेस से बने हैं, उनमें गैसेस का अमाउंट भी पूछा जा सकता है। तो उसी तरह से हमारा सन भी गैसियस फॉर्म में है, या गैसियस ना बोल के हम एक फॉर्म बोल सकते हैं प्लाज्मा, फोर्थ स्टेज होती है, ज्यादातर साइंस के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ये प्लाज्मा के फॉर्म में है, लेकिन आप गैसियस फॉर्म भी बोल सकते हो, गैसियस फॉर्म गलत नहीं होगा। कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि हमारा सन या हमारा सूर्य किस फॉर्म में है, किस अवस्था में है, तो आप बोल सकते हो गैसियस फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में है,
या आप ये बोल सकते हो कि ये प्लाज्मा के फॉर्म में है, तो गलत कोई भी नहीं होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी गैसेस से मिलके बना है, जो हमारा सन है, हमारा सूर्य है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी गैसेस हैं? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है हमारे सन की, वो है हाइड्रोजन। लगभग 73% हाइड्रोजन है। उसके बाद दूसरी गैस है इंपॉर्टेंट, हीलियम। लगभग 25% हीलियम है। आप इंटरनेट पे देखेंगे या किसी बुक में देखेंगे तो उसमें पॉइंट में दिया होगा 73 पॉइंट समथिंग, ऐसे 24 पॉइंट करके। तो आपको राउंड फिगर में देखना है, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज निकल रहा है वो 73 है, हीलियम का जो निकल रहा है वो 25 है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो लगभग ये 98 हो जा रहे हैं। इसका मतलब कितना बच रहा है? 2% बच रहा है। ये जो 2% बच रहा है, इसमें हमारी अदर गैसेज आ जाएंगी, जो अन्य गैसेज हैं वो आ जाएंगी, अन्य गैसें। हमारे सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिल रही है? हाइड्रोजन मिल रही है। उसके बाद कौन सी गैस मिल रही है? हीलियम मिल रही है। उसके बाद जो अदर गैसेस हैं वो जीरो, सॉरी जीरो नहीं, 2% में सभी हैं। तो 98% में केवल शेयर है हाइड्रोजन और हीलियम का। आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि हमारे तारों में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिलती है? जो हमारे तारे होते हैं, विनीत, अच्छा ऐप पे वेट कर रहे थे आप? हाँ, पीडीएफ भी मिलेगी, ऐप पे भी क्लास होगी। हाँ, आज ही क्लास जाएगी, ऐप पे भी आज की क्लास भी चली जाएगी। गुड इवनिंग रंजीत जी, विनीत जी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। हाँ, पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा और क्लासेस ऐप पे जाएंगी। आज ये लास्ट डेमो है आपकी ये ऑनलाइन बैच का, इसके बाद से सभी क्लासेस आपकी हाँ ऐप पे होंगी। नहीं, शुरू से नहीं होगी भाई, जो क्लासेस हुई हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो ऑलरेडी आपकी क्लासेस हुई हैं उनकी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हमारा सन जो है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस इन द सन पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा बताएंगे हाइड्रोजन। और हमारा सन ही नहीं, हमारे जितने तारे हैं हमारी गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में, अगर उसमें भी पूछा जाए सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, तो आपको हाइड्रोजन ही बतानी है। तो हमारे स्टार में हाइड्रोजन का परसेंटेज 73 है और हीलियम का परसेंटेज 25 है। जब सभी तारों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है, तो आपसे अगर यह पूछ लिया जाएगा कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस या एलिमेंट सबसे ज्यादा है, कि मतलब अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, आज आज से जाएगी विनीत जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा, आपकी कॉल नहीं अटेंड हुई है, चलो ये बात मैं बोलता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा है आप सभी से कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलेगी आपको। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं पूछ रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, हम होल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है। दो बच्चों का आंसर आया है अभी तक, अश्वनी का है हाइड्रोजन और विनीत का है हाइड्रोजन। हाँ, ललित चक का भी है हाइड्रोजन। थैंक यू गोपी चंद्र मौर्य जी। नहीं, हीलियम नहीं होगी, हीलियम नहीं होगी। जितने बच्चों ने आंसर किया है हाइड्रोजन, उनका सही है। जितने बच्चों ने आंसर किया है हाइड्रोजन, आप इस चीज को नोट कर लो, चाहे कंफ्यूज नहीं होना है कभी। अच्छा विनी जी, आप मथुरा से हैं, चलिए ठीक है।
आप सभी ये चीज नोट कर लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है, इस चीज को नोट कर लो सब लोग, मैक्सिमम एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। और डैश करके आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन, डैश करके आपको लिखना है हाइड्रोजन। तो ये कंपोजिशन हो गया हमारे सन का। और आपसे यहां पर गैसेस बहुत कम है, यहां पर देख रहे हो हाइड्रोजन हीलियम, तो आपको दोनों का अमाउंट भी पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सन में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो आप बता देंगे तुरंत हाइड्रोजन। आपसे पूछा जा सकता है शेयर परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो आप परसेंटेज भी बता देंगे। आपसे सेकंड नंबर पूछा जा सकता है हीलियम का, आप उसका भी परसेंटेज बता देंगे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। कल की क्लास में, कल का मतलब कि जो प्रीवियस क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने आपको तारों में एनर्जी का सोर्स बताया था कि कैसे ऊर्जा आती है। तो क्या आप लोगों को याद है अभी तक, आप जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, मेरा सभी से क्वेश्चन है कि हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, उसमें एनर्जी का सोर्स क्या है। गुड इवनिंग विमल जी। सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, इन द सन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया से है, किस प्रोसेस से है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है, एनर्जी का जो सोर्स है, वो हाइड्रोजन है। हाँ सही बोल रहे हैं आप, फ्यूल का काम कर रहा है हाइड्रोजन। और किस प्रोसेस से, हाइड्रोजन बर्न होगा, हाइड्रोजन जलेगा और उसका कन्वर्जन होगा हीलियम में। सही बताया आप, सभी बच्चों के आंसर सही है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप सभी के आंसर सही है। हाइड्रोजन फ्यूल का भी काम कर रहा है और हाइड्रोजन ही बर्न होगा, हाइड्रोजन ही जलेगा। तनु सिंगला का आंसर आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, अश्विनी कुमार का आ रहा है आंसर नाभिकीय संलयन, दोनों लोगों के सही है। एक ने इंग्लिश में बोला, एक ने हिंदी में बोला है, दोनों के सही है। आपसे कभी कोई पूछे कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, तो आपको बताना क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो यहां पर ईंधन कौन है, फ्यूल कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, हीलियम गैस में हो रहा है। और ये किस प्रोसेस से हो रहा है, किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, तो आप यहां पर नीचे लिखेंगे थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। हमारे सन में या हमारे सूर्य के क्रोड में या कोर में हाइड्रोजन गैस बदलती है या कन्वर्ट होती है हीलियम में, और वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वो होता है नाभिकीय संलयन, या हिंदी में नाभिकीय संलयन बोल रहे हैं तो इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। केमिस्ट्री के सर की जब भी क्लास होगी तो आपको दो चीजें पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, मैं यहां पर आपको करके बता दे रहा हूं, दो चीजें इससे रिलेटेड हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन जिसकी हिंदी है विखंडन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन जिसकी हिंदी है संलयन, जिसकी हिंदी है संलयन।
ये दो आपको चीजें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट है बहुत, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया भी जाएगा ये। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन जिसकी हिंदी है विखंडन, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन जिसकी हिंदी है संलयन। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे, इन दोनों नियमों पे दो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाए गए, दो बहुत ही खतरनाक विनाशकारी हथियार बनाए गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या सेकेंड जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था एटम बम, जिसको आप परमाणु बम भी कहते हो, परमाणु बम। और उसके बाद उससे भी खतरनाक, उससे भी घातक दूसरा हथियार बनाया गया दूसरे कॉन्सेप्ट पे, न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे, उसको बोला गया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम प्रीवियस ईयर के बहुत से ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप करते होगे, सॉल्व करते होगे, तो उसमें तो केमिस्ट्री से आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि एटम बम का कॉन्सेप्ट क्या है और हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट क्या है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम बम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बम, कि हमारा जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है और जो हमारा परमाणु बम होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटम बम है, जो परमाणु बम है, वो फिजन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इंग्लिश में काफी कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहां पर आई और यू का ही अंतर है, लेकिन हिंदी में काफी क्लियर है, एक में विखंडन है और दूसरे में संलयन है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा एटम बम का, आप तुरंत क्या करेंगे, फिजन की बात करेंगे, विखंडन की बात करेंगे, यहां अलग होने की बात हो रही है। दूसरे में जब आपसे हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाएगा तो आप किसकी बात करेंगे, फ्यूजन की बात करेंगे, संलयन की बात करेंगे, यहां पर मिलने की बात हो रही है, यहां पर बॉन्डिंग की बात हो रही है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है, उसमें जो हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है वो फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, वो संलयन वाले कॉन्सेप्ट पे हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो सन का कोर है, ये जो बीच का पार्ट है, यहां पर हाइड्रोजन गैस का कन्वर्जन किस में चल रहा है, हीलियम में चल रहा है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि जो हमारे सन का कोर है, जो बीच का पार्ट है, वहां परमानेंट हर सेकंड हाइड्रोजन बॉम्ब से बॉम्बिंग की जा रही है, परमानेंट हर सेकंड हाइड्रोजन बॉम्ब की बॉम्बिंग की जा रही है और हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में चल रहा है। तभी तो इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, तभी तो इतना प्रकाश निकल रहा है, तभी तो हमारा सन इतना हॉट है, गर्म है। यहां पर आप समझ रहे हैं कि परमानेंट ये चीजें हो रही हैं। आप अगर इस चीज को देखेंगे, एटम बम को द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने जापान पे यूज भी किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे यूज भी किया। अच्छा, पूजा जी, आप टीएसएम 05 से हैं, अभी तो वहां बैच चल रही है। हाँ कपिल जी, सही है आपका आंसर। गौरव उपाध्याय जी, ठीक है, हाँ ऐप पे ही होगी क्लास। देखो ना, कुछ बच्चे थोड़ा से कंफ्यूज हैं अभी, ऐप पे आज क्लास नहीं गई है। दरअसल मैं बता दूं, क्लास जो है ये डेमो क्लास में काउंट हो रही है। आज के बाद से आपके क्लास जो है जीएस स्पेशल की, इसमें डेमो नहीं होने वाला है। तो ये यूट्यूब पे आपकी लास्ट क्लास है। नेक्स्ट टाइम कल से आपको जो क्लास मिलने वाली है वो क्लास आपको मिलेगी ऐप पे। अभी मैं आया तो मैंने देखा ऐप पे आपको जितनी भी पहले की क्लासेस हुई हैं, जो भी पहले की क्लासेस हुई हैं वो आपको मिलेंगी ऐप पे मिलेंगी। हाँ पीडीएफ भी मिलेगा, जो भी क्लासेस होती जाएंगी उनका पीडीएफ भी आपको मिलता जाएगा। क्लास की वीडियोस, क्लास की पीडीएफ आपको मिलती जाएगी, बस एक दो दिन में आपको मिलने लगेगा। पीडीएफ तो मिलने लगेगा लेकिन क्लास आपकी कल से ही चलने लगेगी। तो ठीक है, यहां पर आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। थोड़ा से मैं यहां डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूं, यहां पर आपको जब केमिस्ट्री के टीचर आएंगे, सर आएंगे, तो आपको दोनों के बीच में बहुत चीजें जो है, जो डेप्थ में अंतर बताएंगे, क्योंकि आपको वहां पर पढ़ना भी है। अभी हम आप सन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पर रेफरेंस आया है, बस इतना हमको आपको देखना है कि है क्या ये। तो
तो ये बॉम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा ये हमारे सन में एनर्जी का सोर्स भी पूछा जाता है। तो आप देख रहे हो जिस प्रक्रिया से हमारे सन में नेचुरल प्रोसेस से हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम आर्टिफिशियल क्या किए करके बॉम्ब बना दिए, और इस अर्थ पे इस वर्ल्ड में सबसे विनाशकारी सबसे घातक हथियार हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए हैं। इससे भी ज्यादा हमारे सन के कोर में बॉम्बिंग चल रही है परमानेंट। तो ये हमारे सोलर सिस्टम में एनर्जी और लाइट का ये प्राइम सोर्स बना हुआ है। नेक्स्ट, अब ये होता है कि हमने एनर्जी का भी देख लिया, हमने इससे पहले कंपोजिशन का भी देख लिया, तो अब हमको सन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे सूर्य की संरचना कैसी है, हमारे सन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य की संरचना, स्टडी विथ मास्टर, गुड इवनिंग जी, सूर्य की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, इसमें हमको एक डायग्राम बनाना होगा, उसी से हम समझेंगे। पहले एक डायग्राम बना लेंगे आप सन का, गौरव जी अभी शायद एक पॉलिटी की क्लास हुई है, आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, एक हिस्ट्री की डेमो क्लास हुई है और एक बायो की क्लास हुई है, ठीक है। गुड इवनिंग शिवम जी, आप ये डायग्राम बना लेंगे। अब हम एक एक पार्ट को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर आप कभी इंटरनेट पे चेक करेंगे तो सन में बहुत से आपको पार्ट नजर आएंगे। अगर आप सन की इमेज डालेंगे गूगल क्रोम करेंगे तो बहुत से पार्ट नजर आएंगे, उतने डेप्थ में आपको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वो पूछते नहीं है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके पार्ट, उन्हीं को हम आप देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत से पार्ट हैं, 10-12 पार्ट हो जाते हैं। इसका रेडियो एक्टिव जोन कौन सा है, कन्वेक्टिव जोन कौन सा है, इसका एटमोसफियर कहाँ है, ये सब बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन हम एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले जहां पर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है हीलियम में, जो फर्स्ट पार्ट मिलता है, इसको हम आप बोलते हैं कोर या क्रोड। क्या बोलते हैं इसको? कोर या क्रोड। जो हमारे सन के बीचों बीच का पार्ट होता है, जो मध्य भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोर या क्रोड बोलते हैं। और यहीं पर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है हीलियम में थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। यहां के टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, यहां का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, या लगभग
अगर हम इसको देखें 1 करोड़ 15 लाख डिग्री सेल्सियस, या हिंदी में अगर लिखें इसको 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। जो हमारे सन का कोर है, जो मध्य भाग है, उसका टेम्परेचर आप देख रहे हो। अगर आप मिलियन में लिख रहे हो तो लिख सकते हो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर आप नॉर्मल ऐसे लिख रहे हो, करोड़ में लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। ये एक गेस है, एक साइंटिफिक गेस कह सकते हो, कि वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग कि हमारे सन के आंतरिक भाग में, इंटीरियर में, कोर में इतना तापमान मिल सकता है। अब जब हम सन के बाहर आते हैं, सूर्य के बाहर आते हैं, ये जो रिंग दिख रही है आपको, जो ब्रोकन नहीं है, ये जो रिंग दिख रही है जहां पर मार्कर में ऐड कर रहा हूं, ये रिंग जो दिख रही है इसको हम आप बोलते हैं फोटोस्फीयर। ये रिंग, इसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। हम सन के बाहर आ जाते हैं जब, जो हमको आउटर पार्ट ये दिखता है इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। अब इसका टेम्परेचर हमको कितना मिलता है? इसका जो तापमान मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, वो मिलता है हमको लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना मिल रहा है? 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा हाँ, बड़ा लिख देंगे, ठीक, नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ाते भाई, बायलिंगुअल होती है, कुछ टर्म बोल देते होंगे, आप बोल दिया करो उस टाइम पे। अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो कोर का जो टेम्परेचर है यहां पर, वो मैंने यहां पर लिखा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं फिर से, कोर का टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमको? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। या अगर आप ऐसे लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, करोड़ में लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। यहां पर लिख सकते हो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां पर हमने बताया कि जो सन का आउटर पार्ट है, जो ये ब्रोकन रिंग नहीं है, जो ये पूरी की पूरी रिंग बन रही है डार्क में, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, या हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, कितना मिलता है? अप्रोक्स 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये सभी एग्जाम के लिए है। कितना मिल रहा है फोटोस्फीयर का टेम्परेचर? 6000 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हो टेम्परेचर में कितनी कमी नजर आ रही है। जब हम इंटीरियर में हैं, जब हम कोर में हैं, तो टेम्परेचर करोड़ में है, और जैसे ही बाहर निकल के आ रहे हैं टेम्परेचर 1000 में हो जा रहा है, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। ये एक चीज बताता है हमारे सन की साइज, कि हमारे सन की साइज कितनी ह्यूज है, कितना विशाल है, कि इसके आंतरिक भाग से, इसके अंदर से हम अगर बाहर की तरफ आते हैं तो तापमान क्या होता है? यहां पर तापमान ज्यादा है और यहां पर तापमान कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 1000 में हो जाता है। हाँ, लेक वाल के लिए भी सही है। आप लोग पहले पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ लेना। आप कंटिन्यू अगर क्वेश्चन ही पूछते रहोगे तो क्या पढ़ोगे फिर? ये सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, हेल्प करेगा आपको, ठीक है? नहीं, ऐप पे वीडियो फ्री नहीं मिलेगी, वहां पर पेड कोर्स है ना, ये जीएस स्पेशल पेड कोर्स है, तो ऐप पे आपको फ्री में वीडियो नहीं मिलने वाली है वहां। यहां पर YouTube पे जितनी भी वीडियोस आती हैं वो फ्री होती हैं, ऐप पे आपको खरीदना होता है, ठीक है?
अब आप से पूछा जा सकता है कि हम सन के किस पार्ट को नग्न आंखों से नेकेड आई से देख सकते हैं, कि हम सूर्य के कौन से भाग को नेकेड आई से या नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, हम आप सन को देखते हैं तो एक गोले की तरह नजर आता है, एक स्फीयर की तरह नजर आता है, ये पूरा का पूरा आप देखते हो कुछ ऐसे नजर आता है। अब इसमें हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं पता चलता है आपको, शायद नहीं पता चल पाता है, लेकिन ये जो बाहर का पार्ट है, जो सबसे बाहर का पार्ट है, ये चीज, या हम इसको इसी तरह से बना दें, ये चीज हम आप शायद इसी को देख पाते हैं। और वही पार्ट क्या है, फोटोस्फीयर है। ये जो पार्ट है जिसको हम आप देख पाते हैं, ये है फोटोस्फीयर, या हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सूर्य के या सन के कौन से पार्ट को हम नेकेड आई से या नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आप यहां से बता सकते हो हम फोटोस्फीयर को देख सकते हैं। तो लिख लो इसमें, सभी बच्चे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, विजिबल थ्रू नेकेड आई, विजिबल थ्रू नेकेड आई, प्रकाश मंडल को नग्न आंखों से देख सकते हैं। ऐसे लिख लेना, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लिख लेना प्रकाश मंडल को नग्न आंखों से देख सकते हैं या देखा जा सकता है, और आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिख लेना फोटोस्फीयर इज विजिबल थ्रू नेकेड आई, फोटोस्फीयर इज विजिबल थ्रू नेकेड आई। क्लियर है ये, नोट कर लिया सभी ने। गुड इवनिंग कुलदीप जी, कर लिया ना नोट सभी ने। आगे के पार्ट को मैं बताऊं, यहां तक सभी ने कर लिया नोट, आंसर नहीं आ रहा है अभी तक किसी का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप सन के कौन से पार्ट को नग्न आंखों से या नेकेड आई से देख सकते हो, तो क्या बताओगे? कौन सा पार्ट? हाँ, दो लोगों ने बोला, नोट कर लिया है, तो क्या बताएंगे आप, आंसर क्या होगा? गुड, सही है। हाँ, हिंदी में प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फीयर, सही है, करेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, जो अभी मैंने आपसे पूछा है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप कभी अब गलती नहीं करेंगे। आप किसी को भी बताएं, समझाएं, तो आप बता दें कि जो आउटर पार्ट है हमारे सन की, जो ये रिंग बन रही है, इसी को हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, और सन में हमारे यही एक ऐसा पार्ट है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, सभी के आंसर सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप देख रहे हो कि सन में हमने एक ब्रोकन रिंग बनाई है, ये देख रहे हो पूरा का पूरा एक छल्ले की तरह बना है, लेकिन ये ब्रोकन है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, इनको अलग करने के लिए इस तरह से किया है। तो जो ये आपको ब्रोकन रिंग मिल रही है, ये चीज जो मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ये जो ब्रोकन रिंग मिल रही है, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, या हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। ये जो ब्रोकन पार्ट मिल रहा है हमारे सन के चारों तरफ, थैंक यू कुलदीप जी, ब्रोकन पार्ट को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिखना क्रोमोस्फीयर, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमंडल, या क्रोम से आया है, क्रोम मतलब कलर या वर्ण, रंग होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो क्रोमोस्फीयर, या हिंदी में वर्णमंडल लिखेंगे। ये जो ब्रोकन पार्ट है, ये जो जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस चीज को क्या लिखना है? क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। अब इस पार्ट का क्या काम है, या इस लेयर का क्या काम है हमारे सन में? ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे सोलर सिस्टम में नेचुरल कलर के लिए, प्राकृतिक जो रंग है उनके लिए ये उत्तरदायी होती है।
तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कलर, कि प्राकृतिक रंगों के लिए कौन सी लेयर उत्तरदायी है, तो क्या बताएंगे आप, आंसर क्या होगा आप सभी का? रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कलर इन द सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक रंगों के लिए सूर्य की कौन सी परत उत्तरदायी है या सूर्य का कौन सा भाग उत्तरदायी है, कौन सा पार्ट है? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, करेक्ट, सही है, तो आप लिख लेना। सही बताया, सभी का सही है, आप यहां पर लिख लेना, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, सभी बच्चे लिख लेंगे क्रोमोस्फीयर के ब्रैकेट में, या आगे डैश करके लिख लो, जैसे भी आप नोट बना रहे हो, यहां पर लिख लो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कलर इन द सोलर सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कलर इन द सोलर सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कलर इन द सोलर सिस्टम, और हिंदी में लिख रहे हैं बच्चे तो लिख लो, जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं तो सौरमंडल में, सौरमंडल में प्राकृतिक रंगों के लिए उत्तरदायी, वर्णमंडल के आगे लिखना है आपको, सौरमंडल में प्राकृतिक रंगों के लिए उत्तरदायी, सौरमंडल में प्राकृतिक रंगों के लिए उत्तरदायी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, अब आप देख रहे होंगे हमारे सन में कुछ इस तरह से हमने ये बनाया हुआ है पार्ट, ये जो पार्ट हमने अभी हाईलाइट किया, इस पार्ट को बोला जाता है कोरोना, इसको सोलर कोरोना भी बोला जाता है या कोरोना, ये हमारे सोलर सिस्टम, ये हमारे सन का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी लेयर है सोलर कोरोना या कोरोना, इसको हिंदी में किरीट भी बोलते हैं, अगर कोई बच्चा हिंदी में लिख रहा होगा तो लिख सकता है इसको किरीट बोलते हैं कोरोना को। अभी आपने देखा होगा चाइना के वुहान में एक वायरस फैला हुआ है जिसको कोरोना के नाम से जाना जा रहा है, फिलहाल ये वायरस नया नहीं है, 1960 से अभी तक 7 बार कोरोना वायरस फैल चुका है, जो कोरोना वायरस है जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखा गया, जब इसके बारे में रिसर्च की गई मेडिकल साइंस में, तो जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखा गया तो उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा था, उसकी जो संरचना बन रही थी, ये जो हमारे सन का सोलर कोरोना है उससे सिमिलर थी। जब साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने उस वायरस की रिसर्च के लिए उसको माइक्रोस्कोप में रखा और स्क्रीन पे देखा, उसकी जो इमेज बन रही है, उसकी जो संरचना बन रही है, उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कोरोना से मैच कर रहा था या कोरोना की तरह था, सिमिलर था, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया, कोरोना कर दिया। और दूसरा, कोरोना जो वर्ड है ये क्राउन से आया है, क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट होता है, कुछ इस तरह से आप देखते होंगे, इससे भी मिलता है। तो जो चाइना में कोरोना वायरस फैला हुआ है उससे पहले भी 6 वायरस आ चुके हैं, 1960 से लेके अभी तक में टोटल 7 वायरस हो चुके हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे भी कोविड-19 के नाम से उसको जाना जा रहा है, लेकिन जो नाम उनका आया है, जो उनके नाम को रखने की प्रक्रिया हुई है, यहीं से ली गई है, हमारे सन के आउटर पार्ट की जो लेयर है या जो आउटर पार्ट है कोरोना, या इसको किरीट बोलते हैं, इसी से नाम आया है, इसीलिए उसको कोरोना कहा जा रहा है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो और उसमें हम पढ़ रहे हैं सन के बारे में, और वहां पर हमको रेफरेंस मिला कोरोना का,
और कोरोना आपके लिए दो चीज हो गई, एक तो वायरस जो फैला हुआ है और दूसरा हमारे जो सन के आउटर पार्ट के लेयर है ये। अब इसके टेम्परेचर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जो कोरोना है हमारे सन के, इसका तापमान, इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है। इसका जो तापमान होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर इसका लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। गुड इवनिंग अश्वनी जी। कितना होता है सोलर कोरोना का टेम्परेचर, कितना मिल रहा है आपको? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। और आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्या हम सोलर कोरोना को देख सकते हैं? हमेशा तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट होंगे हम तब देख पाएंगे, और वो इवेंट है सोलर इक्लिप्स का टाइम। देखते हैं कैसे हम देख पाएंगे सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कैसे होता है। फिलहाल हम सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस रेफरेंस के लिए यहां पर देख रहे हैं। हम अलग से पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, टाइड जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको। अभी केवल रेफरेंस के लिए देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और ये है हमारा सन, हमसे काफी दूर है। इसकी मीन डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए, घूर्णन करते हुए अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। और हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, मून या चंद्रमा, जो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए, घूमते हुए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है और हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब ये बीच में आ जाता है तो जो ये सनलाइट आ रही है हमारे अर्थ पे, अब डे टाइम में नहीं आ पाती है, दिन के समय में नहीं आ पाती है। हमारे सन का आकार बहुत बड़ा है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा है उसके पास, हीट भी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने से तापमान उसका बहुत ज्यादा है। उसकी जो दूरी है हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो हमारे चंद्रमा की दूरी है लगभग 3,86,000 किलोमीटर है। लेकिन ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये पास होने से, हमारी पृथ्वी के पास होने से सन दूर है, तो उसको एक तरह से ढक देता है, हाइड कर देता है। तो दिन के समय में, डे टाइम में सनलाइट हमारे अर्थ पे नहीं आ पाती है। तो इस इवेंट को हम आप क्या बोलते हैं, जो ये इवेंट हो रहा है इसी को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, या हिंदी में बोलेंगे सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसको हिंदी में बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ये डे टाइम में जब भी होगा, आप देख रहे हैं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमारा मून सनलाइट को नहीं आने देता है। लेकिन क्या होता है, अब हमारे मून के चारों तरफ एक रिंग बन जाती है, एक हालो बन जाता है, कुछ इस तरह से। हमको आपको लगता है कि हमारे ये मून की रिंग है, हमारे चंद्रमा की रिंग है, तो ये हमारे चंद्रमा की रिंग ना होके ये हमारे सन का, ये जो कोरोना का पार्ट है, ये चीज ये हमारे सन की कोरोना का पार्ट होता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि हम कोरोना को, सन के आउटर पार्ट को कब देख सकते हैं, तो कब देख सकते हैं? सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, सूर्य ग्रहण के टाइम पे। नमस्ते रोहन जी। हम कब देख सकते हैं? सूर्य ग्रहण के टाइम पे। इस चीज को भी नोट कर लेना, यहां पर आप बना लेना इसको। बना लेना, फिर नोट कर लेना। पहले बना लो सभी लोग इस चीज को, ये डायग्राम बना लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे आप समझ जाओगे। बनाकर यहां पर लिखना है आपको,
या कोरोना के पास ही लिखना है, चीज बना लो और यहां पर लिख लो, नोट कर लो, कोरोना के पास विजिबल ओनली, विजिबल ओनली सोलर इक्लिप्स टाइम, विजिबल ओनली सोलर इक्लिप्स टाइम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कोरोना के पास लिखना है ब्रैकेट में, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, विजिबल ओनली सोलर इक्लिप्स टाइम, विजिबल ओनली सोलर इक्लिप्स टाइम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। नोट कर लिया सभी ने? आप लोग जब नोट कर लिया करो तो एक बार बता दिया करो, इससे हम थोड़ा से पता चलेगा कि हम कौन सा डायग्राम इरेज करें, कहां पर क्या लिखना है। ठीक है, कर लिया है सभी ने? हो गया? ओके, थैंक यू। तो इसको मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं अब? अब देखो, हमारे सन के हमने पार्ट को तो देख लिया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे सभी को देख लिया। सन के पास हमारे इतनी हीट है, देख लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, बाहर इसके टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है और अंदर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमारे सन के चारों तरफ मेन पार्ट से बाहर की तरफ यहां पर बहुत ही सुपर हीटेड विंड चलती है, बहुत ही गर्म हवाएं अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं, अंदर से ये बाहर की तरफ चलती हैं, ये बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं, ये सन की हीट के कारण, सन के उष्मा के कारण चलती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सोलर विंड। क्या बोलेंगे? सोलर विंड, या हिंदी में इनको बोलते हैं सौर पवन, सौर पवन। ये बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं जो सूर्य से बाहर की तरफ चलती हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? सन के नाम पे ही सोलर विंड, या हिंदी में सौर पवन, सौर पवन। इसको भी नोट कर लेना है, सौर पवन। सौर पवन नोट कर लिया? कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे सन में जो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, इसके कारण हमारे सूर्य के बाहरी भाग में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, एक तरह से यहां पर लपटें निकलती, फ्लेम निकलती हैं। कोरोना के बाहर या जहां पर सोलर विंड चलती है, तो जब वहां पर फ्लेम या लपटें निकलती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, सन से बाहर आ जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर, इनको हम बोलेंगे सोलर फ्लेयर, या इन्हीं को बोलते हैं सौर तूफान, सौर तूफान, सोलर फ्लेयर या सौर तूफान। मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर की तरफ आएंगे और ये हमारे सन से बाहर चले जाते हैं, बाहर का मतलब इतने बाहर आ जाते हैं कि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक इनकी एंट्री हो जाती है, जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वहां तक इनकी एंट्री हो जाती है। और ये चार्ज्ड होते हैं, देख रहे हो आप यहां पर हाई एनर्जी है, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आते हैं तो वहां पर जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो भी चीजें मिलती हैं इनको, जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, फिलहाल तो बहुत ऊपर डस्ट पार्टिकल नहीं मिलते हैं हमको एटमॉस्फेयर की फिफ्थ लेयर में, फोर्थ लेयर में, लेकिन वहां पर जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं उनसे इंटरेक्शन होता है और लाइटनिंग होती है, उसको हम आप एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो देखेंगे। जो लाइटनिंग होती है वो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देख सकते हैं, जिनको अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है, या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति बोला जाता है। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर, क्योंकि वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब भी कोई हम बोले कि टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम आप केवल देख रहे हैं। तो कभी कभी ये सूर्य के चारों तरफ ये तेज हवाएं चलती हैं, लपटें निकलती हैं, उन्हीं को हम आप क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर या सौर्य तूफान। ठीक है, ये नोट कर लिया आप सभी ने? अब देखो आपको क्या करना है, आप तो कन्वेंशनल पार्ट पढ़ रहे हो क्लास में, हमने पढ़ा दिया, हो सकता है कुछ बच्चे पहले से पढ़े हैं, उनको पता रही हो चीजें,
कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको नहीं पता थी, उन्होंने अभी पढ़ा, उनको थोड़ा सा आइडिया मिल गया हमारे सन के बारे में, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमको आपको अपडेट रहना होगा करंट से या करंट इवेंट से। अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि नासा ने सन के पोल की रिसर्च के लिए मिशन भेजे, उससे पहले भी सोलर पार्कर मिशन है भेजा जा चुका है, इस तरह से बहुत से मिशन भेजे जाते रहे। टाइम टाइम पे आप देखोगे कि हमारे सन की स्टडी के लिए मिशन भेजे जाते रहे। तो वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट मिशन है जब भेजे जाते हैं तो उनको भी आपको न्यूज़पेपर में देखें, जब जब भी अगर न्यूज़पेपर में देखें कि कोई कंट्री सन पे रिसर्च के लिए कोई मिशन भेज रही, फिलहाल हर एक कंट्री तो भेज ही नहीं सकती, आपको पता है सभी के पास इतना पोटेंशियल नहीं है। नासा भेज सकती है, चाइना भेज सकता है, या यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है सरनो भेज सकती है, जापान भेज सकता है, मतलब वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं जो भेज सकती हैं। लेकिन उसमें से लकली हम आप भी हैं, इंडिया भी है जिसके पास एक बहुत ही अच्छा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के लिए, इसरो। तो हमारा इसरो भी 2020 में, फिलहाल 20 चल रहा है, 2020 के लास्ट में या 2021 के स्टार्टिंग में जो ये सन का आउटर पार्ट है जिसको हम सोलर कोरोना बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं, इसकी रिसर्च के लिए एक मिशन प्रपोज किया है, एक मिशन भेजने वाला है जिसको हम आप बोलते हैं आदित्य 1। आदित्य 1 आप इस चीज को लिख लेंगे या आप आदित्य ही लिख सकते हैं, आदित्य, ये आपसे पूछा जा सकता है आदित्य। टाइम टेबल का लिंक अभी आपको मिल जाएगा, इसी में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको पूरा टाइम टेबल क्लास का मिल जाएगा, लिख लेना। आदित्य के बारे में लिख लो ब्रैकेट में, अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो, अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो, अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो, अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो डैश फॉर द स्टडी ऑफ सोलर कोरोना, फॉर द स्टडी ऑफ सोलर कोरोना, अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो। आदित्य के पास लिख लेना, अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो फॉर द स्टडी ऑफ सोलर कोरोना। सूर्य के किरीट के लिए, जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं, सूर्य के किरीट के लिए, सूर्य के किरीट के लिए इसरो द्वारा भेजा जाने वाला, सूर्य के किरीट के अध्ययन के लिए, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लो सूर्य के किरीट या कोरोना के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा जाने वाला मिशन, इसरो द्वारा भेजा जाने वाला मिशन। ये लगभग 2020 या 2021, 2020 के लास्ट में या 21 में ये भेजा जा सकता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन और भी चीजें, जैसे अभी इससे पहले आपको सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में पता होना चाहिए जो नासा ने भेजा है, वो पोल की रिसर्च के लिए भेजा है, या इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन भेजे गए हैं उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो एग्जाम होने जा रहा है वो बहुत डायनामिक पेपर बना रहे हैं। आप ऐसा नहीं सिर्फ किताबों में पढ़ के क्वेश्चन को कर लेंगे, आपको रूबरू होना है डेली के इवेंट से भी, मतलब जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं, जो आप डेली पढ़ रहे हैं, उसके अपडेट के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर देखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती जाएं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कभी भी पढ़ो, जैसे ज्योग्राफी है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, पॉलिटी है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, हिस्ट्री में नहीं आएगा उतना, साइंस में भी आएंगे, साइंस टेक में और ज्यादा आते हैं। ये सब ऐसे सब्जेक्ट आपके लिए रहेंगे कि जिसमें कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आप वहां पर थोड़ा सा स्पेस बचा के रखो। कभी भी मान लो आपके टीचर ने कुछ भी पढ़ाया, साइंस के टीचर ने, पॉलिटी के टीचर ने अगर आपको कुछ किसी इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में पढ़ाया, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया, तो आप थोड़ा सा स्पेस वहां पर बचा कर रखो। मान लो आप पढ़ चुके हो क्लास में, या हम ही आपको आज सन के बारे में पढ़ाए हैं, जो भी आज तक की अपडेट हमने बताई, हो सकता है कल को सन से रिलेटेड और कुछ अपडेट आ जाए, कोई नई जानकारी आपको मिले, तो आप क्या करोगे, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ो अगर वो ऑथेंटिक न्यूज़ है तो तुरंत उसको आप जाके अपनी नोट में मेंशन कर लो,
आपको करंट अफेयर्स रटनी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जब आप अपनी नोट पढ़ोगे तो आपको वो भी चीज याद आ जाएगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, मैं आपको बता भी दूंगा एक क्लास अलग से, जैसे मैंने बोला है एटलस की जब भी क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने करंट अफेयर्स के लिए क्या अप्रोच बनाओगे, कैसे करोगे, और मैं आपको बीच बीच में क्लासेस भी कराता रहूंगा, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी मैं अपडेट भी देता रहूंगा, लेकिन वो अलग से क्लास होगी, ज्योग्राफी की क्लास में नहीं, वो क्लास सबके लिए फ्री होगी, वो यूट्यूब पे आती रहेगी क्लास, तो वहां पर मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो इतना ये कंप्लीट हो गया है सन से रिलेटेड, अब हम आते हैं सन की फैमिली पे, सूर्य की फैमिली पे। तो आप अब हेडिंग डाल सकते हो, एक नए पेज पे शिफ्ट कर सकते हो, सोलर सिस्टम, सौर्यमंडल, सोलर सिस्टम, सौर्यमंडल, नहीं अभी ज्यादा क्लासेस नहीं मिस हुई हैं दीप जी, एक दो क्लासेस हुई हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। हेडिंग क्या डालेंगे आप? सोलर सिस्टम, या हिंदी में सौर्य मंडल, हिंदी में सौर्य मंडल। सोलर सिस्टम या हिंदी में सौर्य मंडल। सबसे पहले अब हमको देखना है सन की हमारी जो फैमिली है उसमें मेंबर कौन कौन से हैं, सदस्य कौन कौन से हैं। जैसे हमारे आपके घर में मेंबर होते हैं उसी तरह से जो सन है उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से सदस्य हैं। तो आप इसमें लिखना पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम और मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो भी आप लिखना चाहें, सौर मंडल के सदस्य, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिख लो पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, या हिंदी में लिख रहे हैं तो लिख लो सौर मंडल के सदस्य। सौर मंडल के सदस्य, सौरमंडल के सदस्य। नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो आपके मोबाइल में हो रही होगी, नहीं आपके मोबाइल में आ रही होगी, यहां से तो नहीं है कोई इश्यू, आप वहां से जाके चेक कर लो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, टैब में, जिसमें भी आप चला रहे हो उसको चेक कर लो आप एक बार, ठीक है, यहां से प्रॉब्लम नहीं है। विमल जी हाँ आप देख लो, अब इसमें हम देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से मेंबर हैं, सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो जो हमारे सोलर सिस्टम में मेंबर है वो कौन है, सन है सूर्य, या ऐसे ही डाल देते हैं नाम, हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार एक तारा है और जिसका नाम है सन, ये एक ही है सन, या हिंदी में सूर्य, और हमारे सोलर सिस्टम का यही फादर है, यही रेगुलेटर है। अब उसके बाद ये जो हमारा सन है इसके चारों तरफ घूमने वाले आठ बड़े पिंड हैं, आठ बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी धुरी पर घूमते हुए अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको हम आप क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स, उनको बोलते हैं ग्रह। वो कितने हैं, टोटल एट हैं। अभी आप केवल नंबर लिख लोगे क्योंकि हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका नाम फिर से लिखना है। प्लैनेट्स कितने मिल रहे हैं, आठ। फिर उसके बाद हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने वाले और छोटे छोटे पिंड हैं, जो हमारे प्लैनेट हैं वो हमारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं सोलर सिस्टम में हमारे, कुछ ऐसे पिंड हैं जो अराउंड द प्लैनेट घूम रहे हैं, तो उनको हम आप क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स, उपग्रह, उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह।
नोट कर लिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पिंड हैं जिनका आकार और छोटा हो जाता है, उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, एस्टेरॉयड्स एंड एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और क्षुद्र ग्रह पेटी, इनके बारे में भी हम आप पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह और क्षुद्र ग्रह पेटी। फिर नेक्स्ट मीटियोर एंड मीटियोराइट्स, एंड मीटियोराइट्स उल्का और उल्का पिंड, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इन्हीं को शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है, टूटते हुए तारे भी बोला जाता है, शूटिंग स्टार्स टूटते तारे, इनके बारे में भी हम आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कूपर बेल्ट, कूपर पेटी, कूपर पेटी। फिर हम आप पढ़ेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में, ड्वार्फ प्लैनेट्स बौने ग्रहों को हम आप देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से हैं, बौने ग्रह। फिर नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे कॉमेट्स या धूम केतुओं के बारे में, धूम केतु या इसी को बोलते हैं पुच्छल तारे, पुच्छल तारे जो हमारे सन की फैमिली है। सर को नमस्कार। अच्छा ठीक है विमल जी, ठीक है ना, ठीक ठीक जी। अरुण सर को नमस्कार। नहीं, एक बात को बार बार रिपीट करने की यहां बात नहीं है, बच्चे नोट्स भी बनाते हैं तो उसको बोलना पड़ता है राजेश जी, समझ रहे हैं कि नहीं। आप लोग अगर जल्दी से आंसर कर देंगे तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाया करूंगा, ठीक है ना। अगर आप नोट करते ही बता देंगे कि हमने कर लिया है तो हम जल्दी से नेक्स्ट शिफ्ट कर जाया करेंगे। तो ये हमारे मेंबर हैं, अब इनसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डायरेक्ट कहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपसे। क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम या सौरमंडल के सदस्य, ऑप्शन ए बी सी इस तरह से दे देगा, आपको तीन नाम यहां से दे दिया, एक बाहर से दे दिया। मान लो आपको पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम दिया, ऑप्शन ए दे दिया, सैटेलाइट, ऑप्शन बी दे दिया आपको मीटियोर, ऑप्शन सी दे दिया आपको कॉमेट और ऑप्शन डी दे दिया आपको नेब्यूला। मतलब आपको दिया जा रहा है उपग्रह, उल्का, धूमकेतु और नेबुला या निहारिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का पार्ट कौन सा है या कौन सा नहीं है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपसे मान लो पूछा जा रहा है कि नहीं है, नॉट का पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, भाग नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का, क्या आपको इस लिस्ट में कहीं पर नेबुला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सैटेलाइट है क्योंकि हमारे ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, मीटियोर के बारे में हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, कॉमेट्स भी है और नेबुला जो है वो स्टार के बनने से पहले की प्रक्रिया है, उससे बहने बनने से पहले का प्रोसेस है। एक तो इस फॉर्मेट पे आ जाएगा और आपसे एक दे देगा अलग से, ऑप्शन ए में दे दिया आपको गैलेक्सी, ऑप्शन बी में दे दिया आपको अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी में दे दिया आपको नेबुला और ऑप्शन डी में दे दिया आपको एस्टेरॉयड। आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा भाग है, पार्ट है सोलर सिस्टम का,
इसमें से कौन सा भाग है सोलर सिस्टम का? तो गैलेक्सी में तो हम खुद ही हैं, आकाश गंगा में तो हम खुद ही रहते हैं, अल्फा सेंचुरी यहां पर देख रहे हो हमारा नियरेस्ट स्टार है, प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी, सी नेबुला के बारे में हमको आपको पता है, तो यहां पर भी क्या होगा डी होगा एस्टेरॉयड, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट ये हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ गया है कि हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो अब जो आप डायग्राम बनाने चल रहे हैं सभी बच्चों को मैं बता रहा हूं कि आप जब डायग्राम बनाएं तो आप एक फ्रेश फेस पे बनाएंगे, क्योंकि अब जो डायग्राम बनेगा वो सबसे बड़ा डायग्राम आपका बनने वाला है, वो डायग्राम होगा आपके सोलर सिस्टम का, पूरे फैमिली का डायग्राम होगा, तो उसमें आप ये चीज बनाएंगे। मैं पहले बना दे रहा हूं एक बार, आप उसको देख के बना लो। हेडिंग डालना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। एक डायग्राम आप बनाएंगे, इसी में ज्यादातर चीजें आ जाएंगी, आपके सारी चीजें इसी में हो जाएंगी। आप सेम ये डायग्राम बनाएंगे जो भी मैंने बनाया है और इसमें देखते हुए चलेंगे। अगर हम सन से बाहर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब यहां पर सन है, सन तो हमारे सेंटर में है सोलर सिस्टम के, लेकिन मैंने बोर्ड पे बनाया है तो सेंटर में नहीं बनाया है, एक तरफ का मैंने समझ लो बना दिया आपको। तो जब हम सन से बाहर की तरफ चलेंगे तो जो सबसे पहला प्लैनेट मिलेगा वो होगा मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं बुध। देन हमको मिलेगा वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र। फिर हमारा अपना ग्रह मिलेगा, हमारा प्लेनेट मिलेगा अर्थ, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी हिंदी में। फिर हमको मिलेगा मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल। फिर हमको एक बेल्ट मिल रही है, गैप आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, या हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे क्षुद्र ग्रह पेटी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इस बेल्ट के बाद हमको मिलेगा प्लेनेट जुपिटर या बृहस्पति। फिर मिलेगा हमको सैटर्न,
जिसको हिंदी में बोलेंगे शनि। फिर हमको मिलेगा यूरेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरुण। फिर हमको प्लेनेट मिल रहा है नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको फिर एक बेल्ट मिल रही है सोलर सिस्टम के लास्ट में एकदम, जिसको हम बोलते हैं कूपर बेल्ट, कूपर पेटी। और इसी बेल्ट में हमारा पहले प्लेनेट था, लेकिन अब के टाइम पे प्लेनेट नहीं है, प्लूटो है। देखेंगे प्लूटो का स्टेटस क्या है, प्लूटो। ठीक, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें इसी डायग्राम से हमको आपको पढ़ना है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आप पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को हमने बनाया, बनाने के बाद इनमें हमने नाम बता दिया आपको कौन कौन से हैं। अब उसके बाद हम इनके साइज को देख लेते हैं। यहीं पर जब भी साइज की बात होगी, मैं इनके बीच में साइज मेंशन कर दे रहा हूं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है जुपिटर, देन सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून, फिर है हमारी अर्थ पृथ्वी, फिर है वीनस, फिर है मार्स और फिर है मरकरी। मैंने सबके साइज को भी मेंशन कर दिया बीच में, आप नोट कर सकते हैं। एक जगह आप साइज लिख लेंगे, बाकी सब में नंबर कर देंगे 1, 2, 3, 4। इसका मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते चल रहे हो, आप लोग डायग्राम बना के नोट करते हुए चल रहे हो। ओके, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, कुछ ऐसे प्लेनेट हैं हमारे पास, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट हैं, टोटल 8 में से 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं अपनी एक्सिस पे, और वो है वीनस एंड यूरेनस। तो आप उन पे क्या करोगे, क्लॉकवाइज एरो बना दोगे, घड़ी की दिशा में घूमती हुई एक एरो बना दोगे, और यहां पर क्या लिखोगे, रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज, या हिंदी में जो बच्चे लिख रहे हैं लिखना घड़ी की दिशा में घूर्णन, घड़ी की दिशा में घूर्णन। कहां कहां पर आपको करना है, एक वीनस पे, दूसरा यूरेनस पे, रोटेट क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूर्णन। हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पे। इसका मतलब बाकी 6 की हम बात नहीं कर रहे हैं, रिमेनिंग 6 आप तुरंत समझ गए होंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। कौन कौन से, उसमें से हो गया मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून। ये बाकी जो 6 बच रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो 2 आपको मिल गए। अब उसके बाद इनमें देखते हैं, मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, हमारी अर्थ के पास, पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, तो हमने लिख दिया यहां पर मून या चंद्रमा, आप भी नोट कर लेंगे। फिर हमारे मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस, डीमोस, दूसरे का नाम है डीमोस। कोई बात नहीं, लेट हो गया, वीडियो मिल जाएगी आप सभी को। संगम जी एस्ट्रॉइड बताएंगे, अभी तो हम आप केवल डायग्राम बना के देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक एक चीज देखेंगे, प्लेनेट क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मीटियोर, मेटोराइट्स क्या होते हैं, सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अभी जो क्लास में चल रहा है सीक्वेंस में चल रहा है, अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो जो हमारे अंदर के इनर प्लैनेट्स हैं, इनमें अर्थ के पास एक सैटेलाइट है हमने नोट कर लिया, और हमारे मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं तो हमने नोट कर लिया। अब आते हैं हम जुपिटर के पास, अब आते हैं जुपिटर के पास टोटल
नंबर ऑफ सैटेलाइट है 79, बहुत ज्यादा है। तो इनमें से अब हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको तो नोट कर लेंगे, बाकी हम ऐसे बना लेंगे कि हमको पता चल जाए कि इनके पास एक से ज्यादा सैटेलाइट हैं। तो हम कुछ इस तरह से बना दिए, जो इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है गैनीमीड, और कुछ इनके इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं, गैनीमीड है, फिर मान लो एक और है इनके पास यूरोपा है, फिर कैलिस्टो है, और फिर आयो। ये टोटल चार, एक दो तीन और यहां पर ये चार, नोट कर लिया आपने। फिर हम जब सैटर्न की बात करते हैं, सनी की बात करते हैं, तो सैटर्न के पास टोटल है 62, लेकिन अभी क्या हुआ है, 62 तो थे पहले, अभी यूएसए में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेस में रिसर्च कर रहा है, अंतरिक्ष में, उसने, उसका नाम है कार्नेगी इंस्टीट्यूट, उसने इसके 20 नए सैटेलाइट को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया। पहले शनि के पास टोटल 62 उपग्रह थे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अमेरिका में अवस्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 20 नए उपग्रहों की और खोज कर ली, तो नंबर क्या हुआ, प्लस हो गया, और टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर हो गया 82, सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया सैटर्न सनी, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइटन। कौन है, टाइटन, बाकी इसके पास भी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, तो आप इनके चारों तरफ बना लोगे, टाइटन। नोट कर रहे हैं आप लोग साथ में, टाइटन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसके और सैटेलाइट हैं, मैं यहां पर नाम नोट कर दे रहा हूं, एक है मीमासा, टेथिस, मीमास एंड टेथिस, ठीक है। टेथिस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, टेथिस सी भी है और टेथिस सैटेलाइट भी है, ये सैटर्न का है, ठीक है, क्लियर। और आप एक नोट कर सकते हो, रिया, रिया, इसके चार इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको नाम कौन सा याद रहना चाहिए हमेशा, टाइटन, टाइटन हो गया, मीमास हो गया, टेथिस हो गया और रिया हो गया है, तो टोटल इसके पास कितने, 82, लेकिन इंपॉर्टेंट के नाम आपको पता रहने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं यूरेनस की बात करते हैं, यूरेनस के पास नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है 27 है, 27, नहीं आप अपनी बुक को अपडेट करो विक्की जी, ठीक। अब सैटर्न के पास या सनी के पास कितने आपको करने हैं, 62 प्लस 20 82, ओके, इसके पास टोटल है 27, 27, और नेपच्यून के पास है टोटल 14, 14। अब डायग्राम जो बनाए हैं इसमें आप देख रहे हो हमारे अर्थ के पास कितना मिला, एक, मार्स के पास कितना मिला, दो, जुपिटर के पास कितना मिल रहा है, 79, सैटर्न के पास कितना मिला, टोटल 82, यूरेनस के पास कितना मिल रहा है, 27, और यहां पर कितना मिल रहा है, 14। अभी आप इतना नोट करो, सभी लोग नोट करो जल्दी से, यहां तक नोट कर लिए हैं,
तो आप इसके दो इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं यूरेनस के, एक है टाइटेनिया और दूसरा है मिरांडा। एक है टाइटेनिया, दूसरा है मिरांडा। टाइटेनिया और मिरांडा, आप हिंदी में भी लिख लेना नाम, टाइटेनिया और मिरांडा। नोट कर लिया? हाँ, सबसे ज्यादा शनि के पास है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, तो आप बता देंगे सैटर्न, शनि। सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह वर्तमान समय में शनि है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जुपिटर दूसरे नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन चल रहा है? शनि है। और सेकंड नंबर पे कौन चल रहा है? जुपिटर। ये नंबर कम ज्यादा होंगे हमेशा, आपको हमेशा ये प्लस और माइनस में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है, अभी तक इनके बारे में अध्ययन चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। जैसे होता क्या है, अभी आपने देखा कि 20 नए उपग्रह खोजे गए, तो इनको क्या किया गया, ऐड कर दिया गया और इनको नया नाम दिया गया। इनके आकार बहुत छोटे हैं, तो इनको बोल दिया गया है बेबी मून। जो शनि के नए 20 उपग्रह खोजे गए हैं उनको एक नया नाम दे दिया गया है, बेबी मून, मतलब छोटे उपग्रह, साइज में बहुत छोटे हैं, तो उनको बेबी मून नाम दे दिया गया है। जब नई खोज होगी तो प्लस होंगे, और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, ज्यादातर टाइम जब दिखाई नहीं देंगे डिसअपियर हो जाएंगे, अदृश्य हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो उनके बारे में क्या करेंगे आप, माइनस कर दिया जाता है। लेकिन ये काम हम आप नहीं करते हैं, ये स्पेस एजेंसी है, कुछ और इससे रिलेटेड संस्थान है, ये काम उनका है। जब रिसर्च होती है तो लोग रिसर्च करके इन चीजों को करते हैं, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट लिख लेना आप, नेपच्यून का इंपॉर्टेंट, ट्रीटॉन। ट्रीटॉन, सभी के नाम नहीं लिखने हैं, जब भी नंबर ज्यादा हो जाए किसी भी चीज का, जब भी नंबर ज्यादा होगा तो आप जो इंपॉर्टेंट होगा उसी का नाम लिखेंगे। जैसे आप यहां पर 79 में से टोटल 4 का लिखे हैं, इनको गैलीलियन सैटेलाइट भी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां पर आप देख रहे हो टोटल इनके पास भी, सैटर्न के पास भी आपने 4 लिखा है, टाइटन, मिमास, तेथिस, रिया, और यहां पर आपने 2 लिखा है, टाइटेनिया और मिरांडा, और यहां पर आप ट्रिटॉन। तो आप ये डायग्राम बना लो पूरा, मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, किसी को लेना हो समझने के लिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले लो सभी लोग। आज जो हमने पढ़ा है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है सन के बारे में, सन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको देखा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है हमारे सन के फैमिली का, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम या सौरमंडल की संरचना के नाम से जानते हैं। तो जिसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें थी अभी तक ड्रॉ की है, उसमें हमने प्लेनेट और इंपॉर्टेंट सेटेलाइट को शो किया है। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी इससे पहले जब हम मिलेंगे, इसके बाद जब मिलेंगे, तो यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे की चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। अभी हम सैटेलाइट को पढ़ेंगे, आज हमने केवल आप इतना समझना कि स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया है और इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर नोट किया है। तो आप ये डायग्राम को एक बार और अच्छे से देख लेंगे, कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम आप यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। थैंक यू।